अभी के जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें सिर्फ चार्ज करके चलाना पड़ता है, इसमें चार्जिंग का भी सिस्टम यही दे रहा हूँ। ये 50 किलोमीटर चलती है सर। अभी एक बटन दबाने पे गाड़ी रिवर्स होएंगी और फॉरवर्ड के बटन दबाएंगे तो आगे होगी। भंगार में गिरी हुई थी तो भंगार की गाड़ी में अपन ये डेवलप कर रहे हैं। अभी अभी फिलहाल में तो अभी एक हफ्ता हो गया 50 किलोमीटर। हमारे भारत देश में बहुत ही टैलेंट है लेकिन उनको संधि जो बोलते हैं वो नहीं मिलती और इसलिए विदेश जाते हैं। मेरा नाम योगेश विद्यालाल पारदी है, मैं गोरेगांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन 10th 12th ITI पॉली और ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अभी क्या कर रहे हो? अभी मेरा महावितरण में अप्रेंटिसशिप चालू है और ये प्रेरणा मेरे को पहले से ही थी लेकिन मेरे पास कुछ फंड नहीं था, उस वजह से बना नहीं पाया। गाड़ी बनाने का आपके दिमाग में कैसे क्या? पेट्रोल की महंगाई देख के और एक दो जनों ने प्रोत्साहन किया कि तू बना सकता है करके, तो मैंने बनाया। तो अभी आपकी गाड़ी में क्या खासियत है जो जैसे बजाज कंपनी वाला देखेगा कि उसके पुराने गाड़ियों में कुछ चीज़ें आपने डाली है, ठीक है? हाँ। तो क्या इसमें खास है जैसे अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ है बाहर उनमें और इसमें क्या अंतर रहेगा, क्या बताएंगे? अभी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें सिर्फ चार्ज करके चलाना पड़ता है, इसमें चार्जिंग का भी सिस्टम यही दे रहा हूँ और जो लाइटिंग के लिए सोलर प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, लाइटिंग, अलार्म, मोबाइल चार्जर उसके लिए। कितने किलोमीटर चलती है आपकी गाड़ी? ये 50 किलोमीटर चलती है सर अभी। अच्छा, एक बार चार्जिंग करने के बाद? हाँ, विद्युत पे। हाँ। और उसके बाद में अगर ख़त्म हो गया तो? उसके बाद में ख़त्म हो गया तो फिर वो सोलर प्लेट लगी आप? हाँ, सोलर प्लेट लगी। आपने बताया अभी कि रिवर्स फॉरवर्ड जो दोनों सिस्टम में बताया। हाँ। कैसे रिवर्स का क्या सिस्टम है? रिवर्स का सिस्टम एक बटन दबाने पे गाड़ी रिवर्स होएंगी और फॉरवर्ड के बटन दबाएंगे तो आगे होएंगी। अच्छा, मुझे बताइए कि जो अपनी यहाँ पे जो बता रहे थे अभी कि गाड़ी के अंदर में आपने जो बैटरी खुद ही बनाया है। हाँ। बता रहे थे क्या कैसे बनाया है बैटरी, निर्माण कैसे किया, मतलब क्या यूज किया आपने, कैसे कौन से सिस्टम से बनाया? मैंने इस मोटर को 12 वोल्ट पे चलाने की कोशिश किया लेकिन चली नहीं। बैटरी का इंतजाम कैसे किया? फिर बैटरी का इंतजाम अपनी ये वाली लीड एसिड देख रहा था बैटरी, लेकिन वो महंगी हो रही थी इस कारण मैंने सेल का इंतजाम किया। लिथियम सेल है। अच्छा। हाँ, ये लैपटॉप के बैटरी में, अपना पावर बैंक में इस टाइम में यूज होते हैं ये अपने। हाँ, ये बना है। ये 1 घंटे में चार्ज हो जाती है और 50 किलोमीटर चलती है। मेरा शुभ नाम है विद्यालाल हगुरु जी पारदी और मेरा काम है वर्कशॉप मोटरसाइकिल रिपेयरिंग। कितने सालों से काम करते हैं? ये मैं कर रहा हूँ 95 से। कितने बच्चे? कितने आपके बच्चे? 2 है। ये जो बच्चा आपका है अभी जी पढ़ा है, क्या बता रहे? ये किया पहले 12वीं तक पढ़ाई किया, 12वीं से फिर ITI किया इलेक्ट्रिशियन, ITI के बाद में पॉली किया सिविल में। कौन सा गांव है आपका? मेरा प्रॉपर गांव है सालेकसा तालुका में नानुआ। यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ गोरेगांव में दुकान डाला मैंने 98 में दुकान डालने के बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर थोड़ी जैसी कमाई हुई प्लाट लेके छोटा सा मकान बनाया। यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। ये गाड़ी बनाने का, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का इनके दिमाग में कैसा है, क्या? ये दिमाग में नहीं, क्या होता है सर, अभी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की किल्लतें हो रही है तो ऐसे दिमाग में आया कि मैंने बोला बेटा अपन कुछ तो भी कर नहीं सकते क्या, अपन कुछ तो भी यानी आविष्कार करना चाहिए। पेट्रोल वेट्रोल की गाड़ी जैसी अभी आई थी स्कूटी वगैरह पेट्रोल की इलेक्ट्रिक वाली, तो उसके लिए मैंने बोला अपन भी तो मोटरसाइकिल बना सकते हैं। तो लड़के ने बोला मैं बना लूँगा, तो मैं बोला ठीक है बनाओ। तो पहले जैसे पैसे थोड़े बहुत जमा हुए सर तो मोटर ला लिए, फिर कुछ और थोड़े जमा हुए फिर वो बैटरी के सेल लाए, उसके बाद में वो किए, उसके बाद में उसका रेगुलेटर ला लिए। जैसे जैसे पैसा आ रहा है अपने पास जमा हो रहा है थोड़ा बहुत, उस हिसाब से अपन साहित्य लेते जा रहे हैं।
और उसका डेवलप करते जा रहे हैं। अभी ये जो गाड़ी में जो रिंग लगे है वो ये रिंग मेरे पास में पहले के ज़माने में थी, मेरे पास में सिल्वर प्लस अच्छा। उसके व्हील है ये संभाल के रखा था, कुछ भविष्य में कोई चीज़ काम में आए अच्छा। तो आज भविष्य में काम में आ गए अच्छा। इसमें और क्या क्या साहित्य लगे जैसे? अभी साहित्य इसमें व्हील है सिल्वर प्लस के, ड्रम प्लेट है बजाज की, और ये गाड़ी है बजाज की पुरानी वाली कैलिबर है, भंगार में गिरी हुई थी, तो ये भंगार की गाड़ी में अपन ये डेवलप कर रहे हैं अभी। अभी इस पर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने किलोमीटर जा सकते हैं गाड़ी चाहिए? अभी फिलहाल में तो अभी एक हफ्ता हो गया, 50 किलोमीटर चल लेते हैं, और यहाँ जगह से अपन इधर उधर थोड़ा जा रहे हैं, एक दो किलोमीटर तक दो तीन जो बैठ जाते हैं। नहीं अभी डेवलप चालू है इसलिए अभी कहीं दूर गए नहीं है अभी। फिर भी इस पर कितने लोग जाते हैं? अपन दो लोग चले ही जाते हैं ना। अच्छा दो तीन लोग, अभी तो इन्होंने दिखाया कि तीन लोग जाते हैं। नहीं वो जाते हैं, लेकिन क्या होता है अगर लॉन्ग टूर चलना है अच्छा। तो अच्छा होता है दो ही। क्या लगता है ये जो आविष्कार उन्होंने किया है इससे क्या लगता है? मुझे तो अच्छा खुशी हो गई सर, मुझे कुछ आनंद हो गया, चलो कुछ भी कर रहा है लड़का, यानी जो पैसा खर्च कर रहा है तो ऐसे हो रहा है कि कहीं अलग खर्चा नहीं कर रहा है, अच्छी चीज़ों में खर्च कर रहा है डेवलप में। और क्या बताएंगे? अभी क्या बताने का है सर, अभी उसमें लगाएंगे मैग्नेट तो इसमें चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये आविष्कार इसमें कुछ मुझे अलग लगा, इसमें रिवर्स का भी सिस्टम है? अब वो इलेक्ट्रिशियन किया है, इलेक्ट्रिक का जो उसको अनुभव है उस उद्देश्य से वो कैसे कर रहा है क्या कर रहा है वो लड़का जाने। अगर उसको कोई कंपनी से जैसे ऑफर आते तो क्या करेंगे? कंपनी से ऑफर आएंगे तो ठीक है, भेज देंगे लड़के को, क्योंकि ऐसी भी अपनी परिस्थिति नाजुक है। मैं लक्ष्मण धर्मराज चौहान, पेशा में टीचर हूँ, और ये जो गाड़ी का आविष्कार पारदी जी ने की है ये बहुत ही खुशी की बात है। इनके पिताजी को मैं करीबन 20-25 साल से पहचानता हूँ, जब से इनने यहाँ छोटा सा अपना मैकेनिकल का गाड़ी दुरुस्ती का छोटा सा धंधा शुरुआत किए, और यहाँ शुरू से ही रहते हैं। उनका जो ये लड़का है जिसने ये गाड़ी बनाया, बचपन से बहुत ही शरारती और होशियार चुलबुला जैसा, लेकिन पिताजी परिस्थिति अच्छे न होने के कारण बाहर उनको पढ़ाने भेजे नहीं, छोटे मोटे टेक्निकल पढ़े पॉली हो गए, लेकिन उसके बाद में उनने जो ये गाड़ी का आविष्कार किए ये सौर ऊर्जा के ऊपर, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही यानी गरीब परिस्थिति से उभरे हुए हैं, ना उनकी खेती बाड़ी नहीं कुछ नहीं, अपना मैकेनिकल का छोटा सा काम करते हैं और लड़कों को पढ़ाए, लेकिन लड़के में जो हुनर है वो हुनर उसने करके दिखाया, और इस प्रकार से यह गाड़ी उनने तैयार किया है ये हमारे गोरेगांव वासियों के लिए सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर अच्छी बड़ी कंपनी इनको ऑफर दे और वहाँ अगर बुलाए और इनको कुछ प्रोत्साहन मिले, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत ही टैलेंट है लेकिन उनको संधि जो बोलते हैं वो नहीं मिलती और इसलिए विदेश जाते हैं। अगर उनको यहाँ ही हमारे देश के लोगों ने, अगर बड़े उद्योगपतियों ने अगर उनको चांस दे दिया और उनको बुलाए तो बहुत अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस लड़के को बड़ी कंपनी के साथ बुलाए और ऑफ़र दे ताकि उनमें जो स्किल है उसको डेवलप कर सके और हमारे छोटे गोरेगांव का नाम रोशन कर सके, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। और बहुत बहुत पारदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अपने हुनर लड़के को तैयार किए और उन्हें जो गाड़ी का आविष्कार किया।